गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा अभी का हाफ पार्ट कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट वी आर कंटिन्यू द पी को एंड द टॉपिक इज इरिगेशन इन द पी। सो पी क्या है? एक लेग्यूम क्रॉप है और यू कैन से लेग्यूम वेजिटेबल है जो कि सेंसिटिव होती है ड्रोट के लिए। ड्रोट का मतलब सूखा के लिए क्या होती है, अगर सूखा पड़ जाए, वहाँ बारिश ना हो या वहाँ पे पानी इरिगेशन फैसिलिटी ना हो, तो उससे क्या होगा, वहाँ पे सेंसिटिव होगी वो क्रॉप, वहाँ पे डैमेज हो जाएगी। और उसके अलावा अगर ज़्यादा पानी भी दे दिया तो भी वो डैमेज हो जाएगी, ठीक है। तो अगर एक्सेसिव इरिगेशन दे दी हमने, जैसे जर्मिनेशन दिया उसके बाद, तो क्या होगा, जो सरफेस है, मान लो ये हमने हमारा सरफेस है, हमने एक्सेसिव इरिगेशन दे दिया, जैसे हमने वो बीज डाला, उससे क्या हुआ, यहाँ पे हार्ड क्रस्ट बन जाएगा, ये जो पार्टिकल है इसके हार्ड हो जाएंगे, जिससे वहाँ का जो जर्मिनेशन है उनका जर्मिनेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर एक्सेसिव इरिगेशन दे दी हमने अर्ली स्टेज पे वेजिटेटिव ग्रोथ के टाइम पे, तो वहाँ पे इंक्रीज होगा। उसके बाद सबसे पहले हमें एक्सेसिव जर्मिनेशन देनी है, ठीक है। सबसे पहले एक्सेसिव जर्मिनेशन में हमें देनी है जब वेजिटेटिव ग्रोथ हो, सिर्फ जर्मिनेशन हो जाए, जर्मिनेशन के बाद उसको पानी दे दो काफ़ी सारा, तो पानी दे दोगे तो उसके बाद उसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। उसके बाद लाइट इरिगेशन दे दो उसे 10 से 15 दिन के बाद, 10 से 15 दिन के बाद एक एक बार पानी उसे देते रहो, लाइट इरीगेशन देते रहो। फ्लारिंग फ्रूट सेट और ग्रेन फिलिंग पीरियड क्रिटिकल टाइम है, कि फ्लारिंग टाइम में, फ्रूट सेट टाइम में और ग्रेन फिलिंग टाइम पे हमें पानी उसे देना है। लगभग मानो तो 4 इरीगेशन ऐसे देनी पड़ती है, ठीक है, एट प्री ब्लूम, पॉट सेट और फ्रूट पिकिंग स्टेज पे 4 इरीगेशन, यहाँ पे 3 इरीगेशन पहले देनी है वेजिटेटिव के टाइम पे, ठीक है, एक फ्रूट सेट के टाइम पे, ग्रीन फिलिंग के टाइम पे। तो एंड फ्रूट पिकिंग स्टेज रिकमेंडेड फॉर वैरायटी बोनेविले एंड बेंगलोर कंडीशन। बोनेविले एक वैरायटी आती है, उसके अंदर 3-4 कंडीशन, 4 हमें क्या देनी होती है, इरिगेशन देनी होती है एट अ पॉट सेट, फ्रूट पिकिंग स्टेज एंड प्री ब्लूम टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें वीड कंट्रोल की, सो जो वीड कंट्रोल है इसके अंदर वो होता है, हम इसके अंदर लासो एल्क्लोर आता है 0.75 किलोग्राम और टर्बुनल 1.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर हम वहाँ पर डाल सकते हैं, या फिर पेंडी मिथिलिन डाल सकते हैं 0.5 किलोग्राम, ठीक है, बिकॉज ये क्या है, प्री एमरजेंस है और हम हेड वीडिंग कर सकते हैं 25 to 45 डेज के बाद, ठीक है, जिससे इफेक्टिवली वीड क्या होगा, कंट्रोल होगा। नेक्स्ट अगर हार्वेस्टिंग की बात करें, तो हार्वेस्टिंग के अंदर जो टेंडर पीस होते हैं उसमें हाई शुगर कंटेंट अगर होगा, अगर उसको छील के देखेगा मीठा होगा, तो उससे क्या होगा, अच्छा प्राइस मिलता है। और उसके लिए हमें क्या याद रखना है कि वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब मेच्योरिटी है, शुगर कंटेंट डिक्रीज होता है, पॉलीसैकेराइड एंड ड्यूरिंग नाइट्रोजन प्रोटीन लाइक प्रोटीन इंक्रीज, अगर शुगर कंटेंट डिक्रीज हो जाता है तो उसका जो नाइट्रोजन कंपाउंड या प्रोटीन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। कैल्शियम जो होता है माइग्रेट हो जाता है सीड कोट के अंदर और बिकम टफर ड्यूरिंग राइप, वो टफ हो जाता है राइप के टाइम पे, क्योंकि जो कैल्शियम होता है वो सीड कोट से निकल के बाहर की तरफ चला जाता है। थ्रू आउट द सीड इज डिटरमाइंड यूजिंग टेंड्रोमीटर, हम जो टफनेस है उसकी, जो हार्डनेस है वो डिटरमाइन कर सकते हैं, उसके जो बीज है, एक टेंड्रोमीटर होता है वो क्या करता है, उसकी हार्डनेस को बताता है, ठीक है, और उसी से हम उसका प्राइस देखते हैं कि जितना टफ होगा उतना उसका अच्छा प्राइस मिलेगा। नेक्स्ट बात करें कि जो मैनी वर्कर होते हैं वो मैच्योरिटी और हार्वेस्टिंग के टाइम पे नंबर ऑफ डिग्री आर 4.54 डिग्री सेल्सियस, वैरायटी मैच्योर के टाइम पे, मैच्योरिटी के टाइम पे उसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कि 4.4 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होना चाहिए, जब उसकी मैच्योरिटी हो रही है तो 4.4 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होना चाहिए। यूजली बात करें 3 से 4 हार्वेस्ट करने चाहिए 10 दिन के इंटरवल पे, इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, 3 से 4 हार्वेस्ट करने चाहिए 10 दिन के इंटरवल पर। इल्ड की बात करें तो 2.5 to 4 टन पर हेक्टेयर हमारे अर्ली वेराइटी के अंदर, मिड वेराइटी के अंदर 6.0 to 7.5, लेट के अंदर 8 to 10। तो सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा गुड़ डालोगे उतने टाइम तक उतना ही ज़्यादा मीठा होगा, उतना ही ज़्यादा हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्शन मिलेगा। अब शेलिंग परसेंटेज की बात करें, रेंज की बात करें, तो जो शेलिंग परसेंटेज, जो रेंज है वो 35 to 50% है, और जो सीड यील्ड है वो 2 to 2.5 टन पर हेक्टेयर होती है,
नेक्स्ट अगर बात करें इसके अंदर इंसेक्ट पेस्ट की, तो इसके अंदर स्टेम फ्लाई आती है, पी एफिड आते हैं, लीफ माइनर आता है और पोड बोरर होता है। तो अब ये क्या बोला है, देखो स्टेम फ्लाई कि यहाँ पे एक स्टेम है, यहाँ पे एक फ्लाई होती है, वो क्या करती है इसका रस चूस जाती है और यहाँ से इसको क्या करते हैं वीक कर देती है, जिससे पूरा प्लांट क्या हो जाता है मुरझा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पी एफिड जो लीफ होती है, लीफ के नीचे की सरफेस पे क्या होते हैं पी एफिड आते हैं, वो क्या करते हैं एक तो वो वायरस का वेक्टर होता है एफिड, और दूसरा वो रस चूस जाते हैं उसका, तो सारा वहाँ पे क्लोरोफिल अगर वो सक कर जाएंगे तो वो फूड नहीं बना पाएगा प्लांट, और फूड नहीं बना पाएगा जिससे उसका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, और वो प्लांट क्या हो जाएगा धीरे धीरे डैमेज हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें लीफ माइनर की, तो वो क्या करता है लीफ माइनर लीफ को खा जाता है, छोटे छोटे होल कर देता है उसके अंदर खा खा के। ठीक है, वो लीफ माइनर होता है। नेक्स्ट इज पोड बोरर। सो जो पोड बोरर होता है, पोड बोरर का क्या काम है, वो क्या करता है जो ये पोड है मटर का, जो पोड है ऐसा मटर का पोड होता है, मटर के पोड को क्या करता है इसके अंदर सुंडी सी होती है, वो इसके अंदर घुस जाती है कुछ, कभी मच्छर मटर छीलते हो देखते हो ना उसके अंदर सुंडी होती है, तो पोड बोरर होता है। ठीक है, हाँ पोड बोरर होता है, अंदर जाके वो सारे के सारे को बीज को खा जाता है और वहां पे दाने खत्म कर देता है। ठीक है, उसके बाद कुछ डिजीजेस हैं, डिजीज की बात करें कि पी विल्ट। पी विल्ट क्या होता है, एक फंगस की वजह से होता है, डेट इज फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। क्या होता है पी ऊपर से लेके नीचे की तरफ मुरझा जाता है, उसकी रूट क्या जाए गल जाती है ड्यू टू द पी विल्ट। नेक्स्ट डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू आपको पता है कि लीफ के डाउन साइड व्हाइट फंगस ग्रोथ हो जाती है। अगर लीफ स्पॉट और पोड स्पॉट की बात करें, तो लीफ पे और पोड पे क्या होते हैं ब्राउन कलर के स्पॉट आ जाते हैं, डेट इज ड्यू टू द एस्कोकाइटा पिसाई, माइकोस फेरेला पिनोड्स एंड फोमा मेडिकेनिस। ठीक है, नेक्स्ट बोट्राइटिस और ग्रे माउल्ड आ जाता है, वहाँ पे ग्रे कलर की फंगस आ जाती है, डेट इज कॉल्ड ग्रे और ग्रीनिश कलर की फंगस आ जाती है, डेट इज कॉल्ड बोट्राइटिस सिनेरिया। जितने भी वेजिटेबल क्रॉप है बोट्राइटिस फंगस वहाँ पे आती ही आती है। नेक्स्ट बात करें पाउडरी मिल्ड्यू की, तो जो पाउडरी मिल्ड्यू अपर तरफ लीफ की तरफ आएगा, अब उसका क्या कॉज है कि अगर अपर लीफ पे वो आ गया तो जो फूड है वो वहां से डायरेक्ट बनाता है, तो फूड से जो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो वहाँ पे इफेक्ट होगी, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इफेक्ट होगी तो जो अपना क्या बोलते हैं क्लोरोफिल नहीं बनेगा, क्लोरोफिल के अंदर फूड नहीं बनेगा, फूड नहीं बनेगा तो प्लांट क्या हो जाएगा डैमेज हो जाएगा। नेक्स्ट फुट और रूट रोट। रूट रोट और फुट रोट ड्यू टू द फ्यूजेरियम सोलानी, तो ये भी एक फंगस है, तो ये भी प्रॉब्लम वहाँ पे आती है, जड़ गल जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पीक खत्म हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हम जो क्रॉप करेंगे डेट इज जूट। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रॉप है, तो उसे करने से पहले यहाँ तक जितना भी हमारी क्रॉप्स हो गई हैं तो उसे अच्छे से याद कर लेना, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, सो टेक केयर, टिल देन बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।